बात करेंगे बनारस की, जहां पर प्रधानमंत्री 7 जुलाई को पहुंचने वाले हैं। ऐसे में नजर उन परियोजनाओं पर टिक गई है जिसका श्री गणेश प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है। प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे में शहर को कई सौगातें देने जा रहे हैं जिसमें नमो घाट भी शामिल है। नमो घाट का पहला चरण पूरा हो चुका है और ये घाट काशी आने वालों के लिए शुभ सौगात साबित होने जा रही है। यही नहीं, अपनी सुबह के लिए प्रसिद्ध बनारस की शाम भी खास होने वाली है। जल्द ही बनारस में नाइट बाजार की रौनक देखते ही बनेगी। प्रधानमंत्री की कोशिशों से काशी के कायाकल्प की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। ये चार तस्वीरें देखिए कि कैसे काशी की रौनक यहाँ पर तमाम परियोजनाओं के चलते अब नए आयाम छूने वाली है। खूबसूरत सजावट और भव्य निर्माण से चमक रही है काशी, दमक रही है काशी। यह काशी का नया नमो घाट है। यह नया नमो घाट देश और दुनिया से काशी दर्शन को आने वाले पर्यटकों का नया ठिकाना बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगातों से बढ़ेगी काशी की शान। सूर्य नमस्कार को समर्पित ये नमो घाट न केवल पर्यटकों का मन लुभाएगी बल्कि ये दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पहली घाट होगी जहां वो रैंप के जरिए स्नान करने जा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पौराणिक और आधुनिकता की सोच और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खिड़किया घाट का कायाकल्प कैसा हुआ है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। काशी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नमो घाट पर फ्लोटिंग बाथ जेटी यानी स्नान कुंड बनाया गया है। यहां अगर किसी को तैरना नहीं आता तब भी वो गंगा की अविरल धारा में निश्चिंत होकर डुबकी लगा सकता है। यहां बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और दिव्यांग सभी आस्था की डुबकी के साथ सुरक्षा का एहसास करेंगे। इस घाट में आधुनिक चीजें भी होंगी जैसे कि ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं यहां पर करी गई और यह पहला घाट होगा जहां एयर, वाटर और लैंड तीनों की कनेक्टिविटी होगी। और यह पहला घाट है जिस घाट पर फोर व्हीलर भी आ पाएगा और क्रूज और नाव के जरिए कहीं ना कहीं वाटर और एयर कनेक्टिविटी भी दिख पाएगी। राजघाट से सटे नमो घाट का पर्यटकों की सुविधाओं का ख्याल रखकर निर्माण कराया गया है। बेदिंग जेटी पर 7 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा नमो घाट में ओपन थिएटर, पर्यटन सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया, वाहन पार्किंग स्टैंड, योग और ध्यान केंद्र भी बना है। इसके अलावा नमस्ते की मुद्रा में बने 3 स्टैच्यू सबसे पसंदीदा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये पहला घाट होगा जहां सड़क, हवा और पानी तीनों की कनेक्टिविटी होगी। यहां फ्लोटिंग सीएनजी पंप भी बनाया गया है जहां से सीएनजी के जरिए चलने वाली बोट और क्रूज को ईंधन की सप्लाई हो सकेगी। नमो घाट पर एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म भी है जहां 1 से ज्यादा हेलीकॉप्टर सीधा लैंड कर सकते हैं। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ है जो लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 2 बड़े प्रोजेक्ट वाराणसी में शुरू किए थे। पहली योजना थी काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण की, साथ ही एक ऐसे घाट के निर्माण की नींव रखी गई जो देश विदेश से पर्यटकों को शहर के जाम में फंसने से बचा सके। नमो घाट के रूप में इसी सोच और सपने को सच कर दिखाया गया है। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के हाथ लोकार्पित होने का। रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।